नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज नशा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार नहीं बनी है, हालांकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों सरकार बनाने की जद्दोजहद में है। कवायद काफी तेज है। आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना दोनों महाराष्ट्र में 7 चुनाव लड़ी, वहीं एनसीपी और कांग्रेस 7 चुनाव लड़ी। लेकिन जैसे कि बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, क्योंकि पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला था, उसे शिवसेना की भी ज़रूरत थी। लेकिन शिवसेना ने यहाँ अपना हाथ खींच लिया, वो इसलिए क्योंकि उसने मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर दी। अब इस समय शिवसेना को 50-50 का फॉर्मूला याद आ गया कि भाई 2.5 साल आपकी सरकार, हमारा मुख्यमंत्री यानी, और 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया, क्योंकि बीजेपी को ये गवारा नहीं था। बीजेपी पहले ही कह चुकी थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे तो देवेंद्र फडणवीस ही। अब ऐसे में शिवसेना को जो कांग्रेस की तरफ देखा, उसने कांग्रेस से समर्थन मांगा, लेकिन सोनिया गांधी शिवसेना को समर्थन देने में थोड़ा हिचक रही थी। ऐसे में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की, उन्हें कन्विंस किया और आखिरकार सोनिया गांधी मान गई और शिवसेना को समर्थन देने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। फिलहाल सरकार में देरी हो रही थी और सरकार किसी की भी नहीं बन पाई थी बहुमत ना होने की वजह से, तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये सब तो आपको पता होगा क्योंकि हाल ही का मामला है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में तीसरी बार ऐसा हो रहा है जो राष्ट्रपति शासन लगा है। लेकिन इसके अलावा भी अभी तक इंदिरा गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी के बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल में 50 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चौंक गए ना, सिर्फ इंदिरा गांधी क्यों, हमारे देश के ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा और वो भी कई बार लगा। तो बस इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अगस्त 1947 से मई 1964 के बीच महज 8 बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल ठीक माना जाता है क्योंकि इनके 3 बार बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल में महज 8 बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में जून 1964 से जनवरी 1966 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री देश के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके कार्यकाल में सबसे कम यानी 1 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। हालांकि लाल बहादुर के निधन के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया था। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में मार्च 1977 से जून 1979 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने किन्हीं कारणों की वजह से 30 अप्रैल 1977 को 9 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जनता पार्टी के 3 साल के कार्यकाल में कुल 16 ऐसे मौके आए जब अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इस दौरान चरण सिंह भी करीब 6 महीने के लिए कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें उन्होंने 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जनवरी 1966 से मार्च 1977 के बीच और जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी से पहले और बाद में बतौर प्रधानमंत्री लगभग 16 साल कार्यकाल रहा। इस दौरान 1966 से 1977 के बीच 35 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा था। इस तरह उनके प्रधानमंत्री रहते रिकॉर्ड 50 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनी और 17 फरवरी को एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 से 1991 के बीच राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इन 5 सालों में ही उन्होंने अपने कार्यों से देश की जनता के दिलो दिमाग में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। एक ही कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन उनके कार्यकाल में भी 6 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। वीपी सिंह के कार्यकाल में दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 के बीच 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। चंद्रशेखर के कार्यकाल में नवंबर 1990 से जून 1991 के बीच 5 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जून 1991 से मई 1996 के बीच 11 बार राष्ट्रपति शासन लगा। एचडी देवगौड़ा के कार्यकाल में जून 1996 से अप्रैल 1997 के बीच महज 1 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मार्च 1999 से मई 2004 के बीच 5 बार राष्ट्रपति शासन लगा। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मई 2004 से मई 2014 के बीच 12 बार राष्ट्रपति शासन लगा। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मई 2014 से अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इस पूरी लिस्ट को देखें तो इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर चाहे इमरजेंसी से पहले की बात करें या इमरजेंसी के बाद की बात करें, सबसे ज्यादा बार इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। 1966 से 1977 के बीच 35 बार तो 1980 से 1984 के बीच 15 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो कि 50 बार राष्ट्रपति शासन लगा था अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। वहीं बात करें अगर कुछ राज्यों की, उत्तर प्रदेश में 10 बार, पंजाब में 8 बार, राजस्थान में 4 बार, गुजरात में 5 बार, कर्नाटक में 4 बार, केरल में 4 बार, तमिलनाडु में 4 बार, ओडिशा में 8 बार, पश्चिम बंगाल में 4 बार, मणिपुर में 8 बार, नागालैंड में 4 बार, असम में 4 बार, मध्य प्रदेश में 6 बार, महाराष्ट्र में 6 बार, जम्मू कश्मीर में 6 बार, झारखंड में 6 बार, आंध्र प्रदेश में 6 बार, हरियाणा में 6 बार, गोवा में 6 बार, त्रिपुरा में 6 बार, हिमाचल प्रदेश में 4 बार, मेघालय में 4 बार, सिक्किम में 4 बार, उत्तराखंड में 4 बार, अरुणाचल प्रदेश में 4 बार, दिल्ली में 2 बार और मिजोरम में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है या लग चुका है। आपको बता दें कि 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन देश में लगा था और पंजाब वो पहला राज्य था जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और इसकी वजह ये थी कांग्रेस में फूट। 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही फैक्ट के साथ हम आपके लिए खबरें लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल न्यूज़ नशा को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको लगेगी आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।